गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत तार। ठीक है, तो तार क्या होता है? तो तार होने के लिए पहला और नेसेसरी कंडीशन है ना, तो पहला कंडीशन क्या होगा तार होने के लिए, कि वो हमेशा चालक होगा। क्या होना चाहिए? तार चालक होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो चालक है वो कैटेगरी किसमें आ जाएगा आपका, तार के रूप में आ जाएगा, मतलब वायर। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो चालक है वो हो जाएगा क्या आपका, तार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या वैद्युत तार किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो वैद्युत धारा के लिए मार्ग प्रस्तुत करता हो। ठीक है, वैसा चालक या वैसा चालक पदार्थ जो वैद्युत धारा के लिए मार्ग प्रस्तुत करता हो क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। जैसे क्या है, एक बैटरी है हमारे पास, है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा बैटरी है, बैटरी नंबर ए बैटरी नंबर बी। ठीक है, अब इस यहाँ से हमको यहाँ तक ले जाना है, ये दोनों बैटरी को आपस में कनेक्ट करना है। तो क्या करते हैं, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को ऐसे अटैच कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे अटैच कर दिए। ठीक है, तो धारा का प्रवाह कहाँ होने लगा, बैटरी ए से, मान लिया कि बैटरी बी से होने लगा, मान लिया कि ये 8 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है। ठीक है, तो धारा का प्रवाह कहाँ से होगा, 8 वोल्ट से 2 वोल्ट की ओर। ये कैसे हो रहा है आपका, ये हो रहा है कि वो धारा कैसे जा रहा है, बैटरी ए से बैटरी बी की ओर, बाय द चालक। ये क्या है, चालक, और इसको क्या बोलते हैं, तार या वायर। तो आपको अगर धारा प्रवाहित करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो हम लोग क्या करते हैं, तार का यूज करते हैं। तो वो पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ हो जो धारा का मार्ग यानी रास्ता दे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तार कहते हैं। ठीक है, चालक कहते हैं। ठीक, अब एक जो तार होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। ठीक, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए, तो तार में क्या होता है कि अलग अलग कोर का होता है ना, तो जैसे कि अगर एक वायर है और उसमें एक है, ऐसे ऐसे निकला होगा चार पांच, तो इसको क्या बोलेंगे, चार कोर का वायर, चार कोर का तार। ये चार कोर का क्यों बोलेंगे, कि एक ही में से अलग अलग, इसमें भी क्या रहेगा, इंसुलेशन लगा हुआ रहेगा इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर भी इंसुलेशन लगा रहेगा, इस वायर के भी और इस वायर के भी इंसुलेशन, लेकिन अंदर में क्या रहेगा, कॉपर या एल्यूमिनियम पर्दा रहेगा। इस तरह के तार को क्या बोलते हैं, सीधा सा चार कोर का तार, है ना। अगर ये तीन रहेगा तो इसको बोल देंगे तीन कोर का, दो रहेगा तो दो कोर का, एक सिंगल रहेगा तो एक कोर का तार बोलते हैं। ठीक है, एक कोर हो गया। अब इसी में आता है क्या, कि स्ट्रेंडेड तार क्या होता है, स्ट्रेंडेड तार। ये स्ट्रेंडेड तार क्या होता है, कि तीन या चार कोर के तार को आपस में इस प्रकार लपेट दीजिए, है ना, तीन या चार कोर के तार को किसी तरह लपेट दीजिए और उससे जो बनेगा तार, है ना, वो कहलाएगा क्या, स्टैंडर्ड तार। तो कैसे, मान लिया कि ये है पहला वायर, है ना, अब इसी के ऊपर एक और लिए और ये ऐसे लपेट दिए, इसका ये ऐसे निकाल दिए वायर, एक और वायर लिए ये ऐसे ऐसे लपेट करके ऐसे कर दिए, एक और लिए ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये चारों क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड तार। क्योंकि ये आपस में लपेटा हुआ है, तो आपस में जहां पे लपेटा हुआ हो वो ये कहलाता है क्या, स्टैंडर्ड तार। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं तार का वर्गीकरण, है ना, तार के प्रकार, तार का प्रकार, कि कितने टाइप्स के तार होते हैं। तो तार मुख्यतः जो होते हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या होता है, नंगा कॉपर तार, नंगा कॉपर तार। ठीक है, तांबे का तार, है ना, नंगा इसी को बोलते हैं क्या, तांबे, कॉपर मतलब क्या, तांबे होते हैं, तांबा, तो नंगा तांबे का तार, है ना। तो नंगा तांबे का तार में क्या रहेगा, सीधा एक कॉपर का वायर लेते हैं, उसके ऊपर क्या लपेट देते हैं, टीन का लेप लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे कि वो तांबे के तार में जंग ना लगे, है ना, तो उस तरह के तार को क्या बोलते हैं हम लोग, नंगा तार बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, ओवर हेड लाइन में भी यूज करते हैं और अपना वायरिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो वायर जो पढ़ेंगे, ये क्या होता है, SCSR। SCSR का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, फिर क्या होता है सी में, कंडक्टर,
कंडक्टर स्टील स्टील रेनफोर्स्ड रेनफोर्स्ड तार ठीक। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ओवरहेड लाइन में मतलब क्या जो ट्रांसमिशन हो डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें जो वायर यूज करते हैं तार यूज करते हैं वो यही वाला यूज करते हैं। कौन सा? SPSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसमें क्या होता है कि तीन या चार चार या पांच स्टैंडर्ड तार लेते हैं। काहे का? एल्युमिनियम का होता है ठीक है। चार या पांच स्टैंडर्ड तार लेंगे एल्युमिनियम का ठीक है। और उसके बीच में एक क्या रखेंगे? स्टील का तार। मतलब क्या एक सीधा सा एक ले लीजिए स्टील का एक तार हो गया मान लीजिए स्टील तार हो गया ठीक। अब इस स्टील के तार को ये देखिए ऐसे अलग से लगा देते हैं। ये है मान लीजिए कि ये है क्या स्टील का तार स्टील का है ना। अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड चार पांच या छह स्टैंडर्ड एल्युमिनियम का तार लेते हैं। ये जैसे लिए ये ऐसे ऐसे आपस में लपेटा हुआ रहेगा तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया ये बाहर में निकला हुआ है। तो ये जो पांच मुझे हो गया एल्युमिनियम का तार ये कहलाएगा क्या हमारा SPSR मतलब क्या एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसमें स्टील का क्या यूज हो रहा है? स्टील का यूज हो रहा है कि जो तांबे का स्ट्रेंथ जो होता है वो कमजोर होता है मतलब ये कमजोर तार होता है ठीक है। तो अगर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लेंथ क्या रखते हैं बहुत ज्यादा लंबाई लंबाई से क्या मतलब है कि दो पोल के बीच का डिस्टेंस ये ऐसे लगाते हैं यहाँ से ऐसे कंडक्टर यूज करते हैं ठीक है। तो एक एक पोल से दूसरे पोल का लंबाई जो होता है बहुत ज्यादा होता है लगभग 100 मीटर लेते हैं। तो 100 मीटर में अगर ये एल्युमिनियम का तार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टूट सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं SPSR ये क्या होता है मजबूत होता है क्यों क्योंकि बीच में क्या सपोर्टिंग के लिए स्टील का तार दे देते हैं जिसके कारण ये एल्युमिनियम का तार क्या हो जाता है मजबूत होता है और धारा तो प्रवाहित होता ही है ठीक है। अब आगे नेक्स्ट में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।